नमस्कार, मैं अखिल गुप्ता, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। 25 जनवरी से भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। टेस्ट सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबलों के लिए टीम इंडिया भी सामने आ गई है। पहला मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। ये टेस्ट सीरीज WTC के तीसरे चक्र का हिस्सा है। ऐसे में इंग्लैंड और भारत दोनों के लिए ही सीरीज का एक एक मुकाबला काफ़ी अहम हो जाता है। इस सीरीज को लेकर फैंस के बीच भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। एक्साइटमेंट हो भी क्यों ना, ये टेस्ट सीरीज कोई आम टेस्ट सीरीज नहीं है। ये टेस्ट सीरीज होने वाली है बेस्ट बॉल वर्सेस टीम इंडिया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम अपने तेज तर्रार क्रिकेट के लिए जानी जाती है, जबकि मौजूदा समय में भारतीय टीम भी कमाल की फॉर्म में है। टीम इंडिया ने तीनों ही फॉर्मेट में वनडे, टेस्ट और T20 हालिया समय में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में दोनों में से किसी भी एक टीम को इस सीरीज के लिए फेवरेट आंकना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि हैदराबाद में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 वैसे तो ऑलमोस्ट कंफर्म है, लेकिन विकेट कीपर को लेकर एक डाउट है। माना जा रहा है कि टीम इंडिया इस सीरीज में KL राहुल को एक स्पेशलिस्ट बैटर के तौर पर प्लेइंग 11 में शामिल करेगी, यानी कि बतौर विकेट कीपर KS भरत या ध्रुव जुरेल में से किसी एक को मौका मिल सकता है। लेकिन इस पोजीशन के लिए KS भरत ने अपना दावा ठोक दिया है। दरअसल हाल ही में इंडिया ए की ओर से खेलते हुए KS भरत ने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ एक धमाकेदार शतकीय पारी खेली। ये मुकाबला इंग्लैंड लायंस और इंडिया ए के बीच पहला अनऑफिशियल टेस्ट मैच था, जहां पर टारगेट का पीछा करते हुए KS भरत के बल्ले से शानदार शतकीय पारी देखने को मिली। भरत ने 490 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 165 गेंदों पर नाबाद 116 रन बनाए। वो इंडिया ए को मैच तो नहीं जिता सके, लेकिन उन्होंने मैच को ड्रॉ कराने में एक बड़ा रोल प्ले किया। KS भरत का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये 10वां शतक है, और इस शतक के साथ ही उन्होंने प्लेइंग 11 के लिए अपना दावा काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर दिया है। माना जा रहा है कि इस शतक के बाद KS भरत का प्लेइंग 11 में खेलना अब कंफर्म है, क्योंकि KL राहुल अगर स्पेशलिस्ट बैटर के तौर पर खेलते हैं तो बतौर विकेट कीपर टीम मैनेजमेंट KS भरत पर दाव लगा सकती है। KS भरत की बात की जाए तो उन्होंने अभी तक 5 टेस्ट मैच खेले हैं, हालांकि इस दौरान उनके बल्ले से एक भी शतक या अर्धशतक देखने को नहीं मिला। अभी तक उनके बल्लेबाजी के आंकड़े कुछ खास नहीं रहे, लेकिन इस शतक के बाद उनका प्लेइंग 11 में खेलना ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है। हैदराबाद टेस्ट के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें, कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, KL राहुल, विकेट कीपर के तौर पर KS भरत, फिर आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को देखा जा सकता है। KS भरत को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और तमाम अन्य बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।